नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोली ट्रेंड पर। दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े अभिनेता हुए जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज वे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हो चुके हैं। 90 के दशक में आमिर, शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बेहतरीन अभिनेताओं ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय इन अभिनेताओं को कितनी फीस मिलती थी? आज आपको विस्तार से बताते कि उस दौर में बॉलीवुड के टॉप 10 अभिनेताओं को कितनी फीस मिलती थी। दोस्तों, अगर आप भी इन अभिनेता के फिल्में देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान को 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के टॉप 10 अभिनेताओं में से एक थे और उस दौर में शाहरुख खान एक फिल्म में काम करने के लिए 30 लाख रुपए फीस मिलती थी। नंबर 9, सुनील शेट्टी। 90 के दशक में बेहतरीन एक्शन हीरो में से एक अभिनेता सुनील शेट्टी को बॉलीवुड के फेमस अभिनेताओं में से एक है। 25 साल पहले अभिनेता सुनील शेट्टी को एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 30 लाख रुपए फीस लेते थे। नंबर 8, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अक्षय कुमार आज बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक हैं, लेकिन 25 साल पहले अभिनेता अक्षय कुमार को भी एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 30 लाख रुपए फीस मिलती थी। नंबर 7, आमिर खान। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के परफेक्शनिस्ट अभिनेता आमिर खान को 90 के दशक में भी बॉलीवुड के सबसे फेमस अभिनेताओं में गिना जाता था। अभिनेता आमिर खान को उस दौर में एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 35 लाख रुपए फीस मिलती थी। नंबर 6, सलमान खान। बॉलीवुड के सुल्तान ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे अभिनेता सलमान खान को 90 के दशक में एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 35 लाख रुपए फीस मिलती थी। 90 के दशक में सलमान खान की गिनती टॉप 10 अभिनेताओं में की जाती थी। नंबर 5, अजय देवगन। बॉलीवुड के सिंघम अभिनेता अजय देवगन ने सुपरहिट फिल्म फूल और कांटे से अपने करियर की शुरुआत किया था। अजय देवगन 90 के दशक में एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए करीब 35 लाख रुपए फीस लेते थे। नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 25 साल पहले बॉलीवुड के टॉप 10 अभिनेताओं में गिना जाता था। दोस्तों, मिथुन को उस दौर में एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 40 लाख रुपए फीस लेते थे। नंबर 3, गोविंदा। 90 के दशक के बेहतरीन अभिनेता गोविंदा को 25 साल पहले हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार माना जाता था। गोविंदा को 90 के दशक में एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 60 लाख रुपए फीस मिलती थी। नंबर 2, अनिल कपूर। बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेता थे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 90 के दशक में अभिनेता अनिल कपूर को एक फिल्म में काम करने के लिए 75 लाख रुपए फीस मिलती थी। नंबर 1, सनी देओल। 90 के दशक में सनी देओल को बॉलीवुड का नंबर 1 अभिनेता माना जाता था। 25 साल पहले हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार सनी देओल एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए 70 लाख रुपए तक फीस लेते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।